हेलो गाइस, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मौज में होंगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीएसएल के एलिमिनेटर मैच 2 के बारे में। इसको एलिमिनेटर 2 या क्वालिफायर 2 भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है। क्योंकि आज जो मैच जीतेगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और हारने वाली टीम सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएगी। तो मैच है पेशावर जालमी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। मैच खेला जाना है नेशनल बैंक क्रिकेट अरेना स्टेडियम कराची में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी टीम आज का टॉस जीत सकती है, कौन सी टीम आज का मैच जीत सकती है, कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे पिछले मैचेस के और दोनों टीमों के रिसेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक नजर डालेंगे वेन्यू पे, पिच कैसी बिहेव करती है यहाँ पे। तो एवरेज स्कोरिंग वेन्यू है, ज्यादा हाई स्कोर यहाँ पे देखने को कम ही मिले हैं, एक दो मैचेस को छोड़ दे। और बैटिंग और बॉलिंग दोनों को फेवर करता है ये विकेट। अगर बैट्समैन अच्छे शॉट्स खेलते हैं, अच्छे पेशेंस के साथ बैटिंग करते हैं, तो यहाँ पे वो रन भी बना सकते हैं। वहीं पे बॉलर अगर अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हैं तो काफी कुछ है बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स फास्टर्स दोनों के लिए यहाँ पे मदद है। ओवरऑल देखा जाए तो एक गुड कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों के बीच में। और वैसे भी मैच भी दोनों बहुत अच्छी टीमों के हैं, तो काफी धमाकेदार मैच होने वाला है। तो आगे बात करते हैं, लास्ट जो 9 मैच इस वेन्यू पे खेले गए हैं उसमें से 4 मैच डिफेंड हुए हैं, 5 मैच चेस हुए हैं। बात करें पेस बॉलर्स की, तो पिछले 10 मैचों में पेसर्स ने यहाँ पे 59 विकेट्स लिए हैं, वहीं पे स्पिनर्स ने 48 विकेट्स लिए हैं। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 10-11 विकेट्स का डिफरेंस है। तो दोनों ही अच्छा करते हैं यहाँ पे, स्पिनर्स भी इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं और फास्टर्स भी। अच्छा, फास्टर्स को 1-2 विकेट इस वजह से भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं क्योंकि फास्टर्स को डेथ ओवर में गेंदबाजी करने का मौका ज्यादा मिलता है। फर्स्ट इनिंग हमेशा डेथ ओवर्स में बल्लेबाज को बल्ला चलाना ही चलाना होता है, तो उस चक्कर में फास्टर्स को विकेट ज्यादा मिल जाते हैं स्पिनर्स से। बाकी स्पिनर्स इस विकेट पर ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं क्योंकि मिडिल ओवर में अगर स्पिनर अच्छे हैं तो अच्छा काम कर जाते हैं इस वेन्यू पे। आगे बात करेंगे दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो दोनों ही टीमों के बीच में 22 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 10 मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं, वहीं पे 12 मैच पेशावर जालमी ने जीते हैं। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पिछले 10 मैचों की बात करें तो दोनों टीमों ने 5-5 मैचेस जीते हैं, इक्वल है। तो अच्छा कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। बाबर एंड कंपनी काफी फॉर्म में है, जवाब में शादाब खान भी पीछे नहीं है, उनकी भी टीम काफी शानदार फॉर्म में है। दोनों टीमों के बीच में इस सीजन जो 2 मैच खेले गए वो अभी तक इक्वल रहे हैं, एक मैच पेशावर ने जीता, एक मैच इस्लामाबाद ने जीता। अब बात करेंगे आगे दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले नजर डालेंगे पेशावर की रिसेंट फॉर्म पे। तो पेशावर ने पिछले 5 मैचों में से 3 मैच जीते हैं, 2 मैच में पेशावर हारी है। पिछला मैच पेशावर मुल्तान के अगेंस्ट हार के आ रही है। फॉर्म स्टार्ट अच्छा किया था पेशावर ने, बट बीच में थोड़ा सा लय प्राप्त नहीं कर पाई इनकी टीम। कभी होता है 2 मैच जीत लेते लगातार, उसके बाद फिर हार जाते हैं, तो ऐसा चल रहा है इनके साथ में, तो ये चीज माइंड में रखिएगा। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड का फॉर्म देखें तो काफी शानदार फॉर्म है, पिछले 3 मैच लगातार जीत के आ रही है। पिछले 5 मैचों की बात करें तो 4 मैच जीते हैं, सिर्फ 1 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था, बाकी काफी शानदार फॉर्म में है। स्टार्ट भी अच्छा किया था, पहला मैच लाहौर से खेला था, जीते थे वहां पे, और उसके बाद से बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुए थे 3 मैचेस के लिए, 3 मैचेस उनके अच्छे नहीं गए थे फर्स्ट मैच के बाद, लेकिन उसके बाद से जब से थोड़ा सा बैलेंस हुई है टीम काफी शानदार फॉर्म में दिखे हैं पूरे प्लेयर्स इनके, चाहे वो बॉलर्स हों बैटर्स हों सब अच्छे फॉर्म में दिखे हैं। तो ये तो रही बात दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म की। अब आगे बात करेंगे पॉसिबल 11 क्या हो सकती है दोनों टीमों की। तो सबसे पहले नजर डालेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की पॉसिबल 11 पर। तो एलेक्स हेल्स ओपनिंग करने आते हैं, हालांकि इनका फॉर्म काफी खराब चल रहा है इस सीजन, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। पिछले मैच में मार्टिन गुप्टिल इनके साथ उतरे थे, कोलिन मुनरो बाहर किया गया था, अच्छा परफॉर्म किया था, हाफ सेंचुरी लगाई थी मार्टिन गुप्टिल ने। एलेक्स हेल्स ने स्टार्ट अच्छा किया था, 23 रन की पारी थी पिछले मैच में एलेक्स हेल्स की। तो पूरे सीजन ऐसा ही रहा इनका, 20-25 रन बनाते हैं उसके बाद आउट होकर जल्दी चले जाते हैं। तो ज्यादा उसके बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं आगा सलमान, एंकर की भूमिका में रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, काफी शानदार बैटिंग की है, जैसी जरूरत लगी है टीम को वैसी बैटिंग की है। उसके बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं इनके कैप्टन शादाब खान, ऑलराउंडर की भूमिका में, बॉलिंग से ज्यादा कुछ खास नहीं किया इस सीजन लेकिन बैटिंग से इफेक्टिव रहे, बैटिंग इन्होंने अच्छी करी है। उसके बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं आजम खान, जो कि इनके विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इनका भी फॉर्म एक मैच छोड़ दें 74 रन की इनिंग, तो बाकी किसी भी मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। हैदर अली, उसके बाद इमाद वसीम बॉलिंग से अच्छा कर रहा है इस टाइम, स्टार्ट तो अच्छा नहीं रहा था लेकिन अब थोड़ा सा बॉलिंग इनकी अच्छी निखर के आ रही है, तो इनको ध्यान में रखना। फहीम अशरफ उसके बाद आते हैं, 1-2 विकेट ले जाते हैं और कम रन देते हैं, किफायती बॉलर है, ऑलराउंडर है, जब भी मौका मिला है हाथ भी खोले इन्होंने, रन भी बनाए हैं टीम के लिए। हुनैन साह आते हैं उसके बाद गेंदबाजी डिपार्टमेंट में, काफी शानदार तेज तर्रार बॉलर है हुनैन साह, उनके भाई है नसीम साह। उसके बाद पिछले मैच में ओबेड मौका को मौका मिला था, अच्छी गेंदबाजी करी थी, 1 विकेट मिला था, 3 ओवर में 13 रन दिए थे, तो काफी अच्छा सिलेक्शन रहा था इनका, अच्छा पिक रह सकते हैं ये भी, लंबे कद के लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है। तो ये तो रही बात इस्लामाबाद यूनाइटेड की पॉसिबल 11 की। अब आगे बात करेंगे पेशावर जालमी की पॉसिबल 11 पे। तो बाबर आजम इनके कैप्टन बल्लेबाज हैं, शानदार फॉर्म में, हर मैच में लगभग रन बना रहे हैं, 1-2 मैचेस छोड़ दें इनके तो हर मैच में रन बनाए। सैम अय्यूब, इनका फॉर्म ऐसा रहता है, तेज खेलने के चक्कर में जल्दी विकेट फेंक जाते कभी कभी, बाकी जिस दिन इसका दिन होता है अच्छे तेज रन बनाता है, तो देख के चलना है इसको, ज्यादा कुछ खास कर भी नहीं पाता है लेकिन जिस दिन मारता है अच्छी इनिंग खेलता है, स्टार्ट तेज देता है ये बंदा। उसके बाद मोहम्मद हैरिस आते हैं, मोहम्मद हैरिस का फॉर्म इस सीजन काफी खराब रहा है, बल्लेबाज अच्छा है नो डाउट लेकिन
रन नहीं आ रहे हैं इनके बल्ले से, 20-25 ऐसे ही रन आ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। हसीबुल्ला खान के विकेट कीपर हैं, इनको मौके बहुत मिले हैं लेकिन बैट से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए अभी तक। टॉम कोहलर कैडमोर बल्लेबाजी ये भी अच्छे हैं लेकिन इनका भी फॉर्म ज्यादा कुछ अच्छा नहीं रहा है, पिछले काफी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ज्यादा रन नहीं बना पा रहे हैं। रोमन पावल पिछले मैच में हालांकि रन नहीं बना पाया था रोमन पावल, लेकिन जब भी इनको मौका मिला है इन्होंने रन बनाए हैं टीम के लिए। पेशावर में फिनिशर की भूमिका में शानदार रहे हैं रोमन पावल, और पिछले मैच में पॉल वॉल्टर को खिलाया गया था। पॉल वॉल्टर लंबे गत के तेज गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं। तो उसके बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं आमिर जमाल, ऑलराउंडर ये भी हैं आमिर जमाल, एक इनिंग इन्होंने काफी शानदार खेली थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, और बॉलिंग से भी अच्छा कर परफॉर्म कर रहे हैं। लिक्विड स्टार्ट इन्होंने काफी अच्छा किया था लेकिन जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस हुआ, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी, इनका फॉर्म खराब होता चला गया। इस टाइम विकेट ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं। मेहरान मुमताज लेफ्ट आर्म स्पिनर है इनके, पहले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था मेहरान मुमताज ने लेकिन पिछले एक दो मैच से ज्यादा कुछ खास इफेक्टिव नहीं रहे हैं। सलमान इरशाद इनका भी फॉर्म वैसा ही है, स्टार्ट काफी शानदार किया था लेकिन दूसरे ग्राउंड पे खेलने के लिए आए हैं, जैसे जैसे लीग प्रोग्रेस हुई वैसे वैसे इनका भी फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म चले गया, ज्यादा विकेट्स नहीं ले पाए, रन ज्यादा दिए हैं। तो इस मैच में आपको पेशावर की पॉसिबल 11 में एक दो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कोई शॉकिंग नहीं होगा। तो ये तो रही दोनों टीमों की पॉसिबल 11। अब आगे बात करेंगे आज का टॉस और मैच कौन जीत सकता है। तो सबसे पहले नजर डालेंगे टॉस पे, हालांकि टॉस अपने पिछले 4-5 मैचेस से खराब गए हैं नो डाउट। और एक चीज और है, हर वीडियो में एक्सेप्ट करता हूं कि पिछले टॉस अच्छे जा रहे हैं नहीं जा रहे, सबके तरीके नहीं, अपना काम अलग है, लेवल अलग है, ये ध्यान रखिएगा। तो पिछले 4-5 मैचेस से टॉस अपने अच्छे नहीं जा रहे। इस मैच में जो अपना टॉस रहने वाला है वो आपको बता दें, आप स्किप कर सकते हो, वॉच कर सकते हो। मेरे हिसाब से इस मैच का जो टॉस विनर होने वाला है वो पेशावर जालमी होने वाली है। पेशावर जालमी टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर सकती है। तो ये तो रही बात टॉस की, अब आगे बात करेंगे। तो अब आईपीएल स्टार्ट होने वाला 22 मार्च से, तो रेडी रहिएगा, सब काफी शानदार मैचेस आने वाले हैं और पहला मैच आपको जल्द पोस्ट करेंगे। ये पीएसएल खत्म होते ही आपको आईपीएल का फर्स्ट मैच पोस्ट कर दिया जाएगा, वहां पे आप देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम गवाया प्रेडिक्शन बता देते हैं। मैच नंबर एलिमिनेटर 2 है पेशावर जालमी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। तो इस गेम में जो अपनी प्रेडिक्शन रहने वाली है, अपनी टीम रहने वाली है, वो रहेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीतेगी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, आपके बहुत काम आएंगे हम और हमारा चैनल। आईपीएल फुल ऑन धमाका करेंगे आपके साथ फुल्ली ओपन। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।